हाय गाइस, माय नेम इज फैजल और आप देख रहे हैं टेक्निकल फैजल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप हेटर से बच सकते हैं। आपने देखा होगा, आप कितना भी अच्छा वीडियो क्यों ना बना लो, तब भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप्स बनाए रखते हैं, आप जो भी वीडियो अपलोड करते हो उस पर डिसलाइक करते हैं और कमेंट में बकवास करते हैं, गालियां वगैरह लिखते हैं कमेंट्स में। उन बंदों की टीम होती है, आप जैसे ही वीडियो अपलोड करोगे तुरंत आपको 10 या 12 सेकंड में डिसलाइक मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने तो वीडियो देखना ही नहीं है, उनको तो वीडियो आपका पसंद ही नहीं है, इसलिए वो आपको डिसलाइक करेंगे और कमेंट्स में गाली देंगे। तो इनका परमानेंट सॉल्यूशन है यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है आपको कोई भी गाली देगा तो आप सुनोगे। इसके लिए यूट्यूब ने एक सेक्शन बनाया हुआ है जहां पर आप किसी भी बंदे को ब्लॉक कर सकते हो, उसके जो कमेंट्स है उनको लॉक कर सकते हो और किन किन वर्ड को आप ब्लॉक कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी को बहन की गाली दी, आप बहन लिखकर उस बहन के वर्ड को ही ब्लॉक कर सकते हो। तो ये सब चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब ने एक न्यू फीचर्स और लॉन्च किया है, आप देखते हो गए, एक डिसलाइक बटन है और एक लाइक का बटन है। बहुत से बंदे क्या करते हैं, जानबूझकर डिसलाइक करते हैं, आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो फिर भी उसको डिसलाइक करेंगे, आदत होती है बहुत से बंदों की। और बहुत से बंदे ग्रुप्स बनाए रखते हैं, उसको डिसलाइक रेशियो को ज्यादा कर देते हैं, लाइक्स कम होते हैं। तो जो आने वाला बंदा होता है, जो दूसरा व्यूअर होता है, जो आपकी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो आपकी डिसलाइक और लाइक को देखे, जब वो आपके वीडियो के डिसलाइक के रेशियो को ज्यादा देखेगा तो वो उसको डिसलाइक ही करेगा, चाहे वीडियो सही भी हो फिर भी डिसलाइक करके जाएगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए YouTube ने ये डिसाइड किया है कि डिसलाइक बटन को ही हाइड कर देते हैं। अब से आपको डिसलाइक बटन पर डिसलाइक वगैरह नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ लाइक्स दिखाई देंगे, कितने लाइक है वीडियो पे, डिसलाइक दिखाई नहीं देगा। और दूसरी चीज ये दोस्तों, कमेंट्स में गाली देते हैं बहुत से बंदे, तो उनका इलाज भी है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन हो गया दोस्तों, इसके बाद आपको 3 डॉट पर चले जाना है और यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है, डेस्कटॉप साइट इस पर क्लिक कर देना है। अब ये कंप्यूटर वर्जन में ओपन होगा, जिस तरह से कंप्यूटर में यूट्यूब ओपन होता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये ओपन हो रहा है। सो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने चैनल के फोटो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिंपली आपको यूट्यूब स्टूडियो इस तीसरे नंबर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये प्रोसेसिंग लेगा और अब ये बीटा वर्जन में ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त, ये खोल रहा है और देखते हैं क्या इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके चैनल का डैशबोर्ड दिखाया हुआ है और यहाँ पर व्यू, सब्सक्राइबर, सब कुछ यहाँ पर समरी करके दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर वीडियो के एनालिटिक्स भी दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, सिंपली इसको यहीं पर रहने देना है। सिंपली यहाँ से आपको इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड को आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह से प्रोसेसिंग चलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर, ठीक है। कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, अप्रूव यूजर, मॉडरेटर, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, हिडन यूजर। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कई बार आपके सामने एक ऑप्शन आता होगा कमेंट्स जब कोई बंदा करता है, तो आप वहाँ पर देखते हो गए रिमूव कमेंट, पिन कमेंट, और एक ऑप्शन होता है दोस्तों हाइड यूजर फ्रॉम दिस चैनल। तो जब आप उस बंदे को वहाँ से हाइड करते हो तो वो बंदा यहाँ पर दिखाई देगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस बंदे को मैंने इस चैनल से हाइड किया हुआ है। आप चाहो तो इसके यहाँ से इस तरह से कट करके हटा सकते हो, अब ये अनहाइड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है ब्लॉक्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपको वो वर्ड है जो टाइप करने हैं, जिन जिन गालियों को वो बंदे कमेंट्स में देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ, जैसे आपको कोई बहन की गाली देता है तो आपको बहन लिख देना है सिंपली यहाँ पर इस तरह से, बहन, ठीक है। इसके बाद आपको कॉमा लगा देना है तो इस तरह से टैग बन जाएगा। अब जो भी बंदा इस तरह का कमेंट करेगा, यानी कि इस वर्ड को अपने कमेंट में यूज करेगा, जैसे कि बहन के कुछ भी मतलब आप लगा लीजिए, तो तुरंत उसका जो कमेंट है ब्लॉक हो जाएगा और आप तक वो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, ऑटोमेटिक इस पे में चला जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से बंदे माँ की गाली देते हैं तो माँ लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, इस तरह से आपको कमेंट्स करते जाने यहाँ पर। और यहाँ पर जो जो गालियाँ हैं, जिन जिन गालियों को टारगेट करके वो आपको गाली देते हैं, उन गालियों को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, जैसे कि इस तरह से आप देख सकते हैं।
और कॉमा लगाइए, इस तरह से ब्लॉक हो जाएगा। अब जो भी बंदा इस वर्ड को यूज करेगा अपने कमेंट में, तो वो कमेंट ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बहुत से बंदे मुझे कमेंट करते थे कि आपको कोई और काम नहीं है क्या, तो काम वर्ड को मैं यहाँ पर ब्लॉक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काम लिख दिया, इसके बाद आपको इस कॉमा को लगा देना है, तो ये काम है। अब जो भी बंदा अपने उस कमेंट में काम वर्ड को यूज करेगा लॉक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप भी यूज कर सकते हैं इसको इस तरह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी कमेंट्स हैं, गालियाँ हैं, जिन जिनको वो टारगेट करके आपको गाली देते हैं, यहाँ पर आप उसको टाइप कर सकते हैं और कॉमा लगा लगा कर उनको इस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्त आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लॉक लिंक्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, बहुत से बंदे क्या करते हैं कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें, और कमेंट्स में लिंक्स को दे देते हैं। उसका मतलब ये दोस्तों, वो स्पैम होता है। ठीक है, यूट्यूब ये समझता है कि बंदा स्पैम कर रहा है, यूट्यूब को बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको इस तरह से चेक कर देना है। ठीक है, इस तरह से ही लगा दिया। अब जो भी बंदा आपके कमेंट्स में लिंक को पेस्ट करेगा, तो उसका जो कमेंट है लॉक हो जाएगा, वो आप तक आएगा ही नहीं। लिंक डालते ही उसका कमेंट लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अलाउ कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बंदों की आदत होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो करें, ये करें, लिंक्स को भर देते हैं कमेंट्स में। मतलब कहने का यह है, लिंक्स ही लिंक्स आपको नजर आएंगे कमेंट में, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं। तो इस तरह की हरकतें ना करें, पब्लिक आपके कंटेंट को देखेगी, ना कि आपके चैनल को। ठीक है, आप किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हो आपके चैनल पर, उसको देखेगी पब्लिक। आप चाहे कितने भी लिंक पेस्ट कर दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्त, अगर आपके चैनल पर भी कोई इस तरह की हरकतें करता है, चैनल के लिंक को डालता है कमेंट्स में, तो आप इसको अलाउ कर दीजिए, यहाँ से इसको सही पर कर दीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों जितने भी ये कमेंट्स किए हैं आपने, यहाँ पर ये गाली दिखी है, ये सारे कमेंट्स लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसके बाद जो भी बंदा आपको लिंक सेंड करेगा, वो भी लॉक हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कैंसल, सेव, तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो अब ये सेव हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग सेव, ये सेटिंग है जो अप्लाई हो चुकी है। जो भी बंदा अब इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं, कोई भी कमेंट्स में लिंक पेस्ट करेगा, उसका कमेंट ब्लॉक हो जाएगा। गाली देगा, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सिस्टम है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये बातें समझ आ गई है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके चैनल में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि भाई मेरे चैनल में ये दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपकी वो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सोल्व हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैजल को। धन्यवाद।